धना जी की आखिरी कोशिश भी विफल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अपने बेटे को काबिल बनाने की जगह उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स उठाते रहना दरबार में, ऐसा होना चाहिए, ये आपको ऐसे करना चाहिए, मल्हार सरकार को गाइड करते रहना, यही धना जी सरदार करते आए हैं। और फिर से उन्होंने वही किया जब पेशवा का हुक्म आ गया तब, मगर मिला क्या, चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मल्हार सरकार और धना जी सरदार ये इकट्ठे इस चीज को शुरू कर चुके हैं, सैनिक थे उन्होंने इकट्ठे इन बातों को, इन सब लड़ाइयों को शुरू किया है। जैसे कि हमने एक सीन में, बहुत पहले एक सीन हुआ था जिसमें मल्हार सरकार ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम लोगों ने साथ में ये जर्नी शुरू की थी, तो वहीं से हमारी दोस्ती हुई थी। तो जब जर्नी साथ में शुरू की हो और एक जो है राजा बन जाए और दूसरा सरदार ही रह जाए तो उस चीज की जलन तो मन में होगी और वो धना जी सरदार में दिखती है। फिर उनका बेटा जो मल्हार सरकार का जवाई है ना, उनकी बेटी का पति है, उसको भी वो गद्दी ना मिले, जो कि ये शुरू से ट्राई करते आ रहे हैं कि हमें गुरु जी को ये बनाना है, हमें उनको गद्दी दिलवानी है, वो भी नहीं हो पा रहा है। और इसका कारण क्या है ये समझने की जगह पे ये लोग फिर से वही गलत रास्ते पे चल चल के ट्राई कर रहे हैं। यही उन्होंने किया दरबार में, जबकि जर्नी साथ में शुरू हुई है, दोस्त अच्छे हैं, इसलिए भी उनको ये जानना चाहिए कि मल्हार सरकार किसी भी तरीके से गलत डिसीजन नहीं लेंगे, चाहे उनका बेटा ही सामने क्यों ना हो। और अगर बेटा काबिल है तो वो जाएगा, उसके लिए चाहे मल्हार सरकार कान इधर से नहीं चाहे उधर से पकड़े, मगर वो करेंगे वही जो मालवा के लिए सही होगा। अगर दोस्ती है धना जी सरदार की, इस तरह से जानते हैं मल्हार सरकार को, तो उनको ये चीज समझनी चाहिए थी, मगर क्या करें, आदत से मजबूर, वही ना गाना, क्या करूं हजूर मैं तो आदत से मजबूर, वही चीज है। जब पेशवा का संदेश आ गया, पेशवा ने सुझाव दिया है, फिर भी खड़े होके बोलते हैं कि उन्होंने सुजेशन दी है, उन्होंने निर्णय नहीं दिया है। ये कैसी बच्चों वाली बात थी, मैं सुन के हैरान हो गई कि अगर सपोज मैं एक जूनियर हूं और मेरे ऊपर सीनियर बॉस है, तो मेरा बॉस अगर मुझे कोई सुझाव देगा तो सुझाव हुक्म ही होता है। क्या जरूरत है उनको इतनी दूर से सैनिक भेजने की और ये सुझाव भेजने की, कारण होगा ना जो मल्हार सरकार समझ गए, मगर धना जी सरदार को अपने बेटे को ही बनाना था, इसलिए उनको लगा कि ये तो मैं उठ के बोल ही देता हूं कि फैसला तो हो चुका है, ये तो सुझाव है, इसको मानने की जरूरत ही क्या है। मगर मल्हार सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए इनको ये अपनी आखिरी कोशिश में भी मुंह की खानी पड़ी। आगे भी ऐसा होगा ये तो हम जानते ही हैं, मगर फिर भी ये लोग बाज नहीं आएंगे। दोस्तों आपका क्या कहना है, मुझे लगता है कि जो भी लोग इस फैमिली से, पूरे सीरियल से जुड़े हुए हैं, उनको जरूर अभी तक समझ में आ गया होगा कि अगर गलत कारणों से आप कोशिश पे कोशिश करे जा रहे हो तो उसमें आपको कभी भी विक्ट्री नहीं मिलेगी। अगर थोड़ी देर के लिए मिलती है, आगे जाके वो बड़ी जो है आपकी हार हो सकती है। आपको कैसा लगा मेरा बोलना कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.